नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपान भवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरो देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसो श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण No.
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, प्रेम से गाइए, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री राधे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। कल हम लोगों ने भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान के द्वारा कंस के उद्धार का प्रसंग श्रवण किया। कंस के मरने पर उसकी पत्नी अस्थि प्राप्ति विधवा होकर के अपने पिता के घर गई और जरासंध के सामने रोना रोया। जरासंध ने अपने दामाद का बदला लेने के लिए 23-23 अक्षौणी सेना के साथ 17 आक्रमण मथुरा पर किए। 18वां आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, उससे पहले नारद जी ने कालयवन को भेज दिया। भगवान उसे दौड़ा करके मुचकुंद महाराज की दृष्टि से भस्म करा दिए और दाऊ दादा ने अपने हलमूसल से समस्त उसके मलेच्छों का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। आज हम लोग बहुत समास विधि से केवल भागवत के अवशिष्ट प्रसंगों का केवल स्मरण मात्र करेंगे, क्योंकि आज इस परम पवित्र काशी के महानतम विशिष्ट विद्वानों का दर्शन और उनका दिव्य सत्संग हम लोगों को प्राप्त करना है। इसलिए मात्र एक घंटे में हम लोग भागवत का सार ही सूत्रात्मक विधि से श्रवण करें। बोलो राधे राधे। राधे। 18वां आक्रमण जरासंध का हुआ तो भगवान रणछोड़ बनकर के भगे, प्रवरसन पर्वत पर चढ़े,
जरासंध ने उस पूरे पर्वत में ही आग लगा दी। भगवान तो समुद्र में छलांग मार करके अपनी दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण करके द्वारकाधीश बन गए, और जरासंध अपने विजय का डंका बजा के अपने मगध लौट गया। देखा जाए तो ये मानवपुरी भी मथुरापुरी है। दसम स्कंद का उत्तरार्ध लगते ही, उत्तरार्ध 50वें अध्याय से दसम स्कंद में प्रारंभ हुआ, और उत्तरार्ध लगते ही जरासंध के आक्रमण प्रारंभ हो गए। ये हमारी मानवपुरी में भी उत्तरार्ध लगता है 50 के बाद, और जहां 50 वर्ष के बाद जीवन का उत्तरार्ध लगा कि हमारे जीवन में भी जरासंध के आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं। बुढ़ापा, जरा नाम बुढ़ापे का। भगवान ने 17 बार उसे हराया, भगाया। हम भी च्यवनप्राश खाए खाए के खूब टक्कर लेते हैं जरासंध से, पर ये पीछा नहीं छोड़ता। 17 बार हार के भी शांत नहीं बैठा। काल यवन के साथ जब जरासंध ने मिलकर आक्रमण किया तो भगवान को भी मथुरा छोड़ के दूसरी नगरी बसानी पड़ी। ऐसे बुढ़ापे के साथ काल जब आक्रमण करता है तो हमको भी ये शहर छोड़ के कोई दूसरा शहर देखना पड़ता है। बोलो राधे 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 राधे। नवानि गृहणाति नरो पराणि। तो भगवान ने आज से द्वारकाधीश बन करके प्रथम विवाह भगवती भीष्मक नंदिनी विदर्भ देश की राजकुमारी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी से संपन्न किया। कैसे किया? रुक्मिणी जी ने गोविंद की महिमा सुनते सुनते मन ही मन उनको अपना पति मान लिया। पिता के मन में भी यही भाव उठा कि क्यों ना अपनी राजकुमारी ब्याह दी जाए श्री कृष्ण से, परंतु बड़े भाई ने विरोध कर दिया रुक्मिणी जी के, और आके कहता है पिताजी मैंने अपनी बहन का विवाह पक्का कर दिया, परसों बारात आ जाएगी। कहां? बोले चैद्य नरेश दमघोष नंदन शिशुपाल के साथ। रुक्मिणी को पता चला, बहुत दुखी हुई, सप्तश्लोकी पत्र लेकर के ब्राह्मण के द्वारा द्वारकानाथ के चरणों में भेजा। ब्राह्मण ने पत्र दिया, भगवान बोले आप ही पढ़ के सुनाइए। पत्र सुनाया गया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरई हर तोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमतां अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विसत्चेत्रमपत्रपम मे। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, जब से आपके गुण गणों का श्रवण किया है तब से आपका स्वरूप मेरे चित्त पर अंकित हो गया है। नयन आपके दर्शन को ललचा रहे हैं। पत्र इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैं तो आपकी हो चुकी है, परंतु कोई अन्य मेरा हाथ थामने के लिए परसों आ रहा है। शेर के भागों को गीदड़ उठा करके न ले जाए महाराज, इसलिए आइए और वीरता का शुल्क देकर मेरा पाणी ग्रहण करके मुझे ले जाइए। मेरे भाई आपके विरोध में हैं, मैं नहीं चाहती कि घर में झगड़ा हो। बिना झगड़े के बात कैसे बनेगी, उसका भी समाधान ढूंढ लिया। अंतःपुरांतरचरी मन हत्य बंधून त्वामुदबहे कथमिति प्रमदाम्युपायम पूर्वेद्युरस्ति महती कुल देवी यात्रा यस्याम बहिर्नवबधो गिरिजा मुपेयात। परंपरानुसार मैं गिरिजा पूजन के लिए विवाह पूर्व जाऊंगी, आप उसी गिरिजा मंदिर में मिल जाइए, सारी बात बन जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो शत जन्म भिष्यात, मुझे 100 ही जन्म क्यों ना लेने पड़े, परंतु मैं वर्ण करूंगी तो केवल आपका, आपकी रुक्मिणी। पत्र सुनते ही माधव मुग्ध हो गए और बोले विप्रवर यही हमारी मनस्थिति भी है। तथा अहम अपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशी, मेरा भी चित्त निरंतर उन्हीं के चिंतन में संलग्न रहता है। चलिए मैं आपके साथ ही चलता हूं। ब्राह्मण को बैठाया,
रथ तैयार किया, भगवान ने दौड़ लगाई, दाऊ दादा को पता चला तो हल मूसल के साथ पूरी सेना लाके दाऊ जी भी पीछे पीछे दौड़े। कुंडनपुर में रथ प्रविष्ट हुआ, भगवान ने ब्राह्मण से कहा जाइए समाचार पहुंचाइए। रुक्मणी एक एक पल गिन रही थी कि अभी तक ब्राह्मण क्यों नहीं आए, क्या बात है। दुर्भगायान मेधाता नानुकूलो महेश्वर देवी बा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे भवानी, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, मैंने बहुत रुद्राभिषेक किए हैं, बड़े सोमवार के व्रत किए हैं, आज मेरे अनुकूल हो जाइए, मेरे समस्त सुकृतों का फल मुझे प्रदान कीजिए। वाम अंग स्फुरित होने लगे और पंडित जी सामने आ गए, प्रणाम करके कहा महाराज क्या समाचार है। बोले बेटी जिसको समाचार भेजा था उसी को लेके आया हूं। आनंद में मुग्ध होके नृत्य कर उठी रुक्मणी, महाराज आपके चरणों में सत सत मेरा प्रणाम है, मैं आपके ऋण से जीवन में कभी उऋण नहीं हो पाऊंगी। अब लक्ष्मी स्वरूपा भगवती जिनके चरणों में प्रणाम करे उन ब्राह्मणों के जीवन में क्या कमी रह जाएगी। लक्ष्मी जी बहुत रूठी हुई थी ब्राह्मणों से कि मेरे स्वामी साक्षात श्रीहरि नारायण के छाती पर मेरी आंखों के सामने चरण प्रहार किया इस ब्राह्मण ने, मेरा भी नाम लक्ष्मी नहीं जो इन ब्राह्मणों को घर घर का भिखारी नहीं बना दिया, ऐसी रूठी महाराज। पर आज ब्राह्मण देवता ने भागा दौड़ी करके लक्ष्मी नारायण का मिलन करवा दिया, पूरी भूमिका पंडित जी की। तब से लक्ष्मी जी चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मणों के अनुकूल हो गई और तब से महाराज ब्राह्मणों के ऊपर बड़ी कृपा है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। रुक्मणी जी को पता चला, समाचार सुन के आनंद मग्न होकर सखियों के साथ मंगल गीत गाती हुई गिरिजा मंदिर में पहुंची। उधर शिशुपाल बरात लेके आ गया, उसे समाचार गुप्तचर विभाग से मिला कि आपके विवाह में खतरा। क्यों? बोले कृष्ण खड़े हैं नगर के बाहर, ना तो कन्या पक्ष ने बुलाया ना आपके साथ वो आए, तो ना घर आती है ना बराती है, तो आने का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो कोई कहीं नहीं जाता, तो श्री कृष्ण के यहाँ आने का उद्देश्य क्या हो सकता है। बरातियों ने कहा निश्चिंत रहिए महाराज, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। मंदिर में, गिरिजा मंदिर में जाके रुक्मणी जी ने बड़े प्यार से गिरिजा मैया का पूजन किया, स्तुति करी। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। मां का आशीर्वाद रुक्मणी जी को मिला और पूजन करके जैसी मंदिर के बाहर निकली तो देखा सुरक्षा में हजारों सैनिक खड़े हैं। अब घबरा गई, हे भगवान मैंने तो लिखा था कोई नहीं होगा मंदिर में, यहां तो इतनी भीड़ है, अब क्या करूं। रुक्मणी अति मंद गति से आगे बढ़ रही है, चारों तरफ से दृष्टि घुमा करके अपने प्रियतम को ढूंढ रही हैं, पर जिस पर रुक्मणी की दृष्टि पड़ती है वही आनंद विभोर होकर के अपनी सुदबुद्ध खो बैठता है, साक्षात महालक्ष्मी। जितने सैनिक सुरक्षा में खड़े थे वो सब सुदबुद्ध खो करके चित्रलिखे से खड़े रह गए, रुक्मणी के सौंदर्य का वर्णन करने लग गए। और दूर खड़े द्वारकानाथ समझ गए रुक्मणी मुझे ढूंढ रही हैं, तुरंत आए सैनिकों के बीच। रुक्मणी की घूमती हुई दृष्टि जो द्वारकानाथ से टकराई, आंखें चार होते ही भगवान ने हाथ हिलाया, घबराओ मत हम ही हैं। देखते ही रुक्मणी मुस्कुरा पड़ी, रुक्मणी की मंद मुस्कान का दर्शन करके बचे खुचे होश भी सैनिकों के समाप्त हो गए। भगवान सबके बीच में आकर के रुक्मणी का पाणि ग्रहण करके रथ की ओर ले जाने लगे, जैसे कोई सिंह आकर के गीदड़ों के बीच में से, भेड़ों के बीच में से अपना भाग उठा करके ले जाता है, ऐसी सब चित्र लिखे से देखते रह गए। भगवान पाणि ग्रहण करके रुक्मणी को लेके अपने रथ में बैठा लिए और सब देखे जा रहे हैं, उनको कोई होश नहीं कि हो क्या रहा है। जो भगवान ने बैठ करके रथ दौड़ाया, सैनिक देखते रह गए, वाह क्या प्यारी जोड़ी है, क्या सुंदर रथ है, क्या घोड़ों की गति है। दूर तक रथ चला गया, तब एक बोला, चौं भाई अपन क्यों खड़े हैं।
अरे याद आया, महाराज ने रक्षा के लिए भेजा था ना रुक्मिणी की। अरे तो रुक्मिणी कहाँ? सखियां बोली वो तो गई वहां, तुम क्या भांग पी के चले थे? अब होश आया, ले गो पकड़ो पकड़ो, भागो भागो, दौड़ो दौड़ो। सैनिकों ने पीछा किया, तब तक आवाज आई, बोल द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने देखा दाऊ दादा दौड़े चले आ रहे। दौड़ करके प्रभु ने बड़े भैया को प्रणाम किया। भगवान दाऊ दादा मुस्कुरा के बोले, कन्हैया बहु ले के घर चल, इकट्ठो आशीर्वाद जोगल जोड़ी से घर में ही मिलेगो। भगवान तो दुल्हन के साथ दौड़ लगाई लिए। दाऊ जी ने अपने हल मूसल उठा लिए। जो सैनिक आगे बढ़ा, हल से सिर पकड़ के एक मूसल मसक दिया। दो चार मूसल पड़े तो सैनिक तो वापिस भगे। शिष्यपाल से बोले, गजब हो गया महाराज, आपकी होने वाली दुल्हन को द्वारकानाथ ले गए। शिष्यपाल बेचारा बहुत पछताया, बहुत रोया, बोले ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। तब जरासंध ने, मित्र था, हाथ पकड़ के शिष्यपाल को समझाया, अरे मित्र भो भो पुरुष शार्दूल दौर मनुष्य मिदम त्यज। पुरुष सिंह होकर के क्या कायरता जैसी बात कर रहे हो? अरे मुझे देखो, सौरहि सप्त दशाहम भाई संयुगानि पराजितः। इसी कृष्ण ने मुझे तो एक दो बार नहीं 17 बार हराया है, और मैंने हिम्मत नहीं हारी तो 18वीं बार मैंने भी उसे ऐसा हराया कि अपनी जन्मभूमि छोड़ करके समुद्र की शरण लिए बैठा है, और तू एक बार में ही रोने लगा मरने लगा। तब शिष्यपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं, तो हम क्यों मरे भाई। हिम्मत आ गई और बेचारा दुल्हन के डोले में स्वयं मुंह छुपा के रोता रोता घर गया। तब से 100-100 गाली दे करके सोता था। इधर भगवान के रथ को रस्ते में उनके साले साहब ने पकड़ लिया, रुक्मी ने। भगवान ने तलवार निकाली तो रुक्मिणी जी ने समझाया, हे प्रभु बुरा भला जैसा भी हो पर मेरा भाई है, मारना मत। भगवान बोले, अब तुम्हारा भाई है तो हमारा भी तो कुछ लगेगा, घबराओ मत, नहीं मारूंगा। भगवान गए और रुक्मी का सिर पकड़ के तलवार से ऐसी भद्रा उतारी, आधे बाल इधर के आधे बाल इधर के, ऐसा कुरूप बना दिया। इतने में दाऊ जी पहुंच गए। दाऊ जी ने दौड़ के कन्हैया का हाथ पकड़ा और डांटा, चौरे कन्हैया ये नाईगिरी कहां से सीख ली, शर्म ना आवे, शादी होती साले का सिर मुड़ के धर दिया, ऐसे संबंध बनाओगे? असाध्विदम त्वया कृष्ण कृतम स्मत जुगुप्सितम बपनम स्मश्रु के सानाम बैरूप्यो सुहृदो बधा। अरे सगे संबंधियों को विरूप बनाना, ये तो उनको मारने के बराबर होता है, तुमने बहुत अनुचित कार्य किया है। अब बड़े भैया हैं दाऊ दादा, लगाई फटका। कन्हैया ने इशारे में कहा, भैया डांटना है तो घर में अकेले में चुपचाप डांट लेना, सबके सामने बेइज्जती ना करो। नहीं नहीं, शादी भैया बहू के सामने बेइज्जती कर रहे हो। दाऊ जी मुस्कुरा गए, सारी गुस्सा ठंडी पड़ गई। रुक्मिणी से बोले, बेटी रुक्मिणी बुरा मत मानना, क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मित। हम विधाता ने हम क्षत्रियों का धर्म ही इतना कठोर बनाया है कि हमें कोई चुनौती दे तो हमें तो लड़ना ही पड़ता है। खैर जो होना था हो गया, रुक्मी भाई अब तुम भी जाओ। दाऊ दादा ने मामला शांत किया। बेचारा रुक्मी किसी को मुंह दिखाने लायक रहा नहीं, उसने एक नया शहर बसा लिया भोजकट के नाम से और वहीं बस गया। द्वारका वासियों ने बड़ा दिव्य स्वागत किया द्वारकानाथ का दुल्हन के साथ। बोल द्वारिकाधीश की जय, रुक्मिणी रमण भगवान की जय। ऐसे ये प्रथम विवाह हुआ भगवान का रुक्मिणी जी के साथ। विवाह अन्य भी हुए परंतु अब हमें समय सीमा में ही सारी बात कहनी है, इसलिए संक्षिप्त में केवल नाम स्मरण कर लें। सत्राजित नाम के राजा ने सिमंतक मणि की चोरी भगवान को लगाई। भगवान मणि का अन्वेषण करते हुए जामवंत की गुफा में घुसे। 27 दिन तक युद्ध किए, 28वें दिन परिचय हुआ और दहेज में मणि को देके प्रभु को विदा किया। भगवान ने द्वारका में आके सत्राजित को बुलवा के सारी घटना सुनाई। बोले, देखो ये रही तुम्हारी मणि और प्रमाण पत्र साथ में ही लेके आए। तुम इतने दिनों से हमको बदनाम कर रहे थे, महाराज श्री बतला रहे थे ना, भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा देखने से कलंक लगता है, परंतु ये प्रसंग सुनने से वो चंद्र दर्शन का दोष दूर हो जाता है। तो इसलिए बहुत विस्तार से ये मणि प्रसंग सुनाया। परंतु सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने भगवान का नाम बदनाम किया। प्रायश्चित स्वरूप उसने अपनी बेटी सत्यभामा भगवान के साथ ब्याह दी ताकि मुझे कोई गाली न दे, क्योंकि यदि यह संबंध नहीं बना तो जीवन भर मुझे गाली खानी पड़ेगी। तो इस मणि प्रसंग में ये दो विवाह और हो गए।
चौथा विवाह भगवान ने कालिंदी जी से किया, यमुना स्वरूप। पांचवा विवाह भगवान ने मित्रविंदा जी से किया, जो अवंतिकापुरी उज्जैन की बिंद अनुबिंद की बहन। छठा विवाह भगवान ने महाराज कौशल नरेश नग्नजित की बेटी नाग्निजिति सत्या देवी से संपन्न किया। सातवां विवाह भगवान का भद्रा देवी से हुआ। आठवां विवाह लक्ष्मणा जी से हुआ, लक्ष्य भेदन करके। आठ विवाह पृथक पृथक वर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए, क्योंकि भौमासुर नाम के दैत्य ने अनेक राजकन्याओं को कैद करके बंधक बना रखा था। भगवान सत्यभामा जी के साथ गरुड़ारूढ़ होकर के प्राग ज्योतिषपुर में प्रविष्ट हुए। नगर में प्रविष्ट कर होते समय भगवान ने मुर नाम के दैत्य का वध किया, नाम प्रभु का मुरारी पड़ा। भौमासुर से भयंकर युद्ध करके सैन्य शक्ति के साथ उसका भी संहार करके समस्त राजकन्याओं को मुक्त कर दिया। सभी कन्याओं ने अपना आत्मसमर्पण भगवान के ही चरणों में कर दिया। तो भगवान ने एक मंडप में एक मुहूर्त में ही सबका वरण किया, सबको स्वीकार किया, घर में लाके ससम्मान सबको स्थान दिया। और इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। कालांतर में प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुए और एक एक बिटिया भाई। तो बच्चे कितने हो गए? 1,61,080 इतने बेटे हुए। धीरे धीरे बेटाओं के विवाह हो गए, नाती पोते होने लगे। और एक दिन वो आया कि भगवान के परिवार की संख्या हो गई 56 करोड़। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बहुत विशाल भगवान का परिवार, पर इतने बड़े परिवार में भी सदा प्रसन्न चित्त मंद मंद मुस्कुराते माधव रहते हैं, यही भगवान की विशेषता है। एक अध्याय में पूरी दिनचर्या का वर्णन किया गया है। भगवान की दिनचर्या द्वारका में बड़ी दिव्य थी। ब्राह्म मुहूर्त में जागते थे और प्रतिदिन विधिवत समस्त तीर्थों का आह्वान करके स्नान करते थे, संध्योपासन करते थे, नित्य अग्निहोत्र करते थे, समस्त ब्राह्मणों को बुला करके प्रतिदिन गौदान करते थे, वयोवृद्धों के कक्ष में जा जा के उनको प्रणाम करते थे, सबका आशीर्वाद लेते थे, उसके बाद अपने रथ में बैठ करके सुधर्मा सभा आते थे। एक बार भगवान पांडवों का राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने गए, परंतु एक समस्या खड़ी हो गई थी कि जरासंध स्वीकृति नहीं दे रहा है। तो भीम अर्जुन को साथ में लेके भगवान गए और भीमसेन के हाथों जरासंध का वध करा के सहदेव को राजा बनाया। और जरासंध के बंदी गृह में 20,800 राजा बंधक बने हो गए थे, उन सबको बंधन मुक्त किया। सभी राजाओं ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके स्तवन किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रणत जनों का क्लेश दूर करने वाले श्री हरि, आपके पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। बड़ा विशाल राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ पांडवों का। भगवान ने सभी के कार्य विभाजित किए। भीमसेन को भंडारी बनाया। भीमो महान साध्यक्ष धनाध्यक्ष सुयोधन। भगवान ने सबके कार्य विभाजित किए और स्वयं ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन की सेवा प्रभु ने इस यज्ञ में स्वीकार करी। कृष्णे पादा वने जने। प्रश्न खड़ा हुआ, इस महायज्ञ में प्रथम पूजन किसका किया जाए? सहदेव ने प्रभु के नाम का प्रस्ताव रखा, पितामह भीष्म ने अनुमोदन किया। पर जैसे ही पांडवों ने प्रभु का प्रथम पूजन प्रारंभ किया कि शिशुपाल तिल मिला के खड़ा हो गया और गालियों की बौछार कर दी। ईशो दुरत्यय काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानामपि यद बुद्धिर बाल वाक्यर विभिद्यते। सहदेव बच्चा है, भीष्म बुढ़ा हो गया है।